स्वरित कळवा कामाला चिंता लागली मानवजी राजाला कधी पाईन सोन मुखाला मागणी गाठली जिजाबाईला मागणी गाठली जिजाबाईला कन्यादान मुलगी लग्नाला मुलगी लग्नाला जिराजीजी मुलगी लग्नाला जिराजीजी सत्ताजीवर जवार त्यांनी केला सत्ताजीवर वार त्यांनी केला आमंत्रण राय गडाला आमंत्रण राय. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिकराज लोग में. नमस्कार सर जी. नमस्ते. अच्छा सर जी यहाँ कैसे बैठे हो आप? हम इधर मेले को आए थे सारनखेड़ा. अच्छा सारनखेड़ा मेले में आए हो? गाड़ी लेके आते. अच्छा गाड़ी लेके आते. इधर गाड़ी लेके 25-30 बरस हुए आते हम जर बरस. अच्छा. 5-6 गाड़ी लाते. हाँ. पिकअप लाते, लेलन लाते, छोटा हाथी लाते. हाँ. और आयशर लाते. अच्छा. हाँ अकलूज से यहाँ आते. या आपका नाम क्या है? पोपट शंकर सुरवंशी अकलूज. अच्छा. और आपका? महेश कांबळे एम के अकलूज. आपका सर जी? शुभम सुरवंशी अकलूज. अच्छा अकलूज से हो आप? विकास जादव अकलूज. अच्छा अकलूज से हो ना? अकलूज से. अच्छा गाड़ियाँ कौन कौन सी है आपके पास में? पिकअप है, अशोक लेलैंड है, छोटा हत्या है, टाटा एश और आयशारा है, 407 है. अच्छा. और कौन सी भी गाड़ी मंगो, कौन से भी गाँव को घोड़े हम पहुँच करते. अच्छा घोड़े पहुँचाते हो? घोड़े पहुँचाते. अच्छा. और किधर भी रहते हो, आंध्रा, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, किधर भी, किधर का भी भाड़ा आया तो भाड़ा हम सब व्यवस्थित. ऑल इंडिया के अंदर आप सप्लाई करते हो? किधर भी जाते हैं. तमिलनाडु में ज़्यादा आप जाते हैं? हम पहला मेला अकलूज का करते, पंडरपुर कार्तिक वारी को रहता है. दूसरा मेला ये दत्त जयंती को इधर हिकड़ बस. दूसरा मेला वो सारंगखेड़ का रहता है. हाँ. वो दत्त जयंती को रहता है. अच्छा. और तीसरा मेला वो वेड़ा मुशा को रहता है 12वें महीने में, उधर मालेगांव, नांदेड़ मालेगांव. वो कब रहेगा वो? अभी 1 तारीख से चालू होएगा. अच्छा 1 जनवरी से? 1 जनवरी से चालू होगा. हाँ. और दूसरा कायदल दे. हेलो. वो वहाँ से पर इंदापुर आते. इंदापुर आके इधर इंदापुर में ये करते. वहाँ 26 जनवरी को मेला रहता है. 26 जनवरी को मेला है तो 15-3 आठवड़े रुकते. और लास्ट का मेला तो वो क्या नाम तुम्हारा? शिरपुर का मेला रहता है. वो रहेगा शिव पार्वती जी अपनी यात्रा का महाशिवरात्रि को रहती है. वो यात्रा महाशिवरात्रि को रहती है. अच्छा. इस मेले में आप मतलब ये हॉर्स का ट्रांसपोर्ट का काम करते हो? हाँ, तो उसका किराया क्या रहता है आपको? वो 16 रुपये, 15.5 रुपये, 15 रुपये किलोमीटर से जाते. और उगता भाड़ा बोले तो अंदाज पे पकड़ते 10,000, 12,000, 15,000, 350 किलोमीटर रहे. छोटी गाड़ी है, छोटी गाड़ियों में क्या फर्क रहता है? कितना किराया पड़ जाता है? जैसे छोटी है ये वाली पिकअप गाड़ी है. हाँ, ये महिंद्रा. इधर आओ देखो, इधर ये महिंद्रा पिकअप है. हाँ हाँ, ये महिंद्रा पिकअप है. इसमें मतलब दूरी के हिसाब से क्या भाड़ा रहता है? ये 350 किलोमीटर गई तो 14-15 हज़ार रुपये लेते. अच्छा. हाँ. और किलोमीटर के हिसाब से करें तो? किलोमीटर कराए तो 300-350 किलोमीटर रहे. हाँ. तो 1600 कम नहीं देते. अच्छा. और ज़्यादा 800-900 किलोमीटर रहे. हाँ. 15-15.5 रुपये किलोमीटर से देते. अच्छा. जैसे मान लो कि 100 किलोमीटर है. हाँ, हाँ. तो 100 किलोमीटर जाने में तो आने जाने का जोड़ते हैं क्या? आने जाने का जोड़ते हैं. 200 किलोमीटर के हिसाब से आप आने जाने का जोड़ते हैं. तो जैसे हॉर्स है ना, तो हॉर्स को ट्रांसपोर्ट करने में तो काफ़ी समस्याएं आती है ना. हाँ. तो कैसे फिर करते हैं, मतलब कैसे ले जाते हैं उसको, ध्यान क्या रखना पड़ता है उसको? उसको सीधा ले जाना पड़ता है दम से. उसको एकदम ब्रेक मारने को नहीं आता. उसको स्पीडा ब्रेक आया तो गियर पे गाड़ी कंट्रोल करना पड़ती है. वो ड्राइवर को सब समझा के वैसे ड्राइवर हम चुन के लाते. अच्छा. नहीं तो गाड़ियों को इसी प्रकार से बनाते हैं क्या आप?
हाँ, तो जैसे मान लो घोड़ा कहीं कूद गया गाड़ी से, तो फिर उसके लिए क्या बचाने के लिए नहीं क्या करते, वैसे गाड़ी से नहीं चलाते, पीछे पल्ली डाल के जाली बिली बन के पर्दा बना के सब क्या कर देते हैं, वो करना है आपने उसको उसके हिसाब से अलग ही बनाया कि घोड़ा ऊपर से नहीं कूदे और टब की हाइट बढ़ाई, कितना भी हाइट कर रहे हाइट उसको ज्यादा रहती, इसलिए टब भी बढ़ाया 62-63 इंच घोड़ा रहने दो, उसको कान को भी नहीं लगता ऊपर, तो नीचे क्या बिछाते फिर? नीचे कचरा बिछाते, मैट डालते, ऊपर में कचरा डालते, लेन डालते घोड़ों की, हाँ। सब आपकी रहता है क्या? हाँ, 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 हम डालते। और मान लो कोई सुविधा, सारी सुविधा आप ही देते हैं, घोड़े वाले को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है? नहीं नहीं, वो खाली पैसे देते बैठते, उनको घर पहुंच करते हम। अच्छा, वो उसकी है मतलब आपकी सारी जिम्मेदारी रह जाती है? हमारी जिम्मेदारी पहुँचाते देते। अच्छा, और बड़ी गाड़ियाँ मिल जाती है आपके पास? हाँ, बड़े बड़े आइशर भी मिल जाती है, उसको भाड़ा होता है 90-85 हज़ार रुपये कैसे तमिलनाडु जाने के लिए। अच्छा, और उससे बड़ी गाड़ी तो? हाँ, उससे बड़ी गाड़ी नहीं बनाते। अच्छा, वो ट्रक ब्रक बना के देते, ये लोग सब घोड़े वाले वापस जाते टाइम उनको ट्रक 10 चक्का 12 चक्का वो देते। अच्छा, जैसे मान लो कि एक बड़ी गाड़ी में कितने घोड़े आ जाते हैं? वो 16-17 घोड़े बैठते बड़े, 12 चक्का में, 10 चक्का में 15 घोड़े बैठते। हाँ, अच्छा, तो आपसे संपर्क कैसे करें? जैसे आपको मान लो कि हम ये मंडी में जी रहते, वो लोग को मालूम है और वो घोड़े वाले को मालूम है, वो घोड़े वाले बताते कि वो मामा को तरफ जाओ, पोपट मामा बोल के, हाँ पोपट मामा बोलती सब इधर, पोपट मामा बोल के ये करते, ये हमारा कार्ड भी लेते, फिर फोन करते, ये घोड़े वाले को जो जिसकी घोड़े 10-15-20-25 है उनके पास हम कार्ड देते, वो फोन करके बुलाते हैं गिराए आया बाद में। अच्छा, तो आपके नंबर क्या है? फोन का नंबर, फोन नंबर है 75, मराठी में बोल चलेगा? नहीं, मराठी में बोल दो, फिर हिंदी में बोलो। हाँ, 75-04-02-05-05 96-90 दूसरा नंबर है 96-90-54-14-00 9676-07-9898 ये मेरा नंबर है। अच्छा, ये आप मालेगांव मिलते हो? मालेगांव अकलूज मिलते हो आप? हाँ, अकलूज मालेगांव सारनखेड़ा। घोड़ों के अलावा कौन सा ट्रांसपोर्ट करते हो आप? क्या ट्रांसफर नहीं, हमारा ही फिरता ट्रांसफर है। अच्छा, फिरता ट्रांसफर रहता है, ट्रांसफर विंसफोर एक जगह पे नहीं रहते हम। अच्छा, जिधर बाजार है उधर, जिधर बाजार है उधर जाते, जिधर मंडी भरेंगी वहाँ मंडी में जाते। अच्छा, जहाँ मंडी भरेगी वहीं पे आप मतलब उपलब्ध रहते हो और वहीं से आपसे संपर्क कर सकते हैं कोई भी, और आपसे जो घोड़े वगैरह हैं ट्रांसपोर्ट का काम में आ जाते हैं। हाँ, ओके। अच्छा, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो ये वाली गाड़ियाँ हैं आपके? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आपने तो अच्छे से ऊपर कवर किया हुआ है ना, सर्दी वगैरह के लिए किया हुआ है? सर्दी घोड़े को लगनी नहीं चाहिए, इधर बहुत ठंड है, ठंड की वजह से ये सब ढक दिया है। अच्छा, घोड़े को कुछ तकलीफ नहीं होना मांगता। अच्छा, तो इसके अंदर फंस तो सकते ना? नहीं नहीं नहीं, करना है आगे घोड़ा बैठता है। हाँ, आगे घोड़ा बैठता है।